का पूरा सिस्टम भी बंद होगा। यहाँ पे कवर देना जो भी अधिकारी है, मतलब आप किसानों को रोकोगे? आज की तारीख में किसानों को रोकोगे? अरे जब हरियाणा और पंजाब नहीं रोक रहा, उत्तर प्रदेश की हिम्मत है कि रोकोगा? हम अगर सहयोग दे रहे हैं तो इसका मतलब कमजोरी नहीं है। अगर हम पुलिस प्रशासन का सहयोग दे रहे हैं तो इसका मतलब कमजोरी मत समझना। जहाँ पे भी बैरियर रुकेंगे वहां पे किसान जाएगा, उस जिले की जिम्मेदारी है। बैरियर तोड़ के किसान आगे बढ़ो, कोई भी घटना होगी उसकी जिम्मेदारी वहां के पुलिस प्रशासन की होगी। वहां के पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। कान खोल कर सुन लो, अगर किसी जिले में तंग करे हमारे लोगों का तो उसका इलाज करा जाएगा। इलाज मतलब गुंडागर्दी चल रही है पुलिस प्रशासन की। अधिकारी यहाँ पे बात करते हैं, वहां पे आप रोकने का काम करोगे? अगर ट्रैक्टर रोक रखे हैं तो उनको छोड़ दो, और नहीं तो किसानों से है कि सीधे तोड़ के और आगे बढ़ो, जो कुछ होगा देखा जाएगा। और अपना ट्रैक्टर में अपना तिरपाल बांध गए, पन्नी बांध गए, उसके नीचे पुराण पाती डाल के अपना लौटने बैठने का सामान उसमें लेके, अपना बिस्तरा 5 दिन का 8 दिन का खाने का सामान लेके, क्योंकि रास्ते में भी तो रुकोगे। ऐसा तो अनेक सब लोग यहाँ पर आ जाओगे, आप रास्ते में रुकोगे, जहां पर भी रुकोगे एक ट्रैक्टर के पीछे दूसरा लगता रहे, अपना वही चूल्हा और भंडारा चलाओ। पुलिस प्रशासन से अभी वार्ता चल रही है दिल्ली के अंदर, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और हमारे किसान संगठन के लोग, हमारे जो पदाधिकारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के हैं वे उनसे बात कर रहे हैं। 4 बजे फेर मीटिंग है और रास्तों पे सहमति बन रही है। ये एक बड़ी जीत किसानों की है कि जो रास्ते हैं उन पे सहमति बन रही है। रास्ता रूट कौन सा होगा, क्योंकि हिम्मत अब रोकने की नहीं है, वो तो दिन चलेगी। हमने कह दिया कि हमारे बस की ये जो किसान जो प्रेरण है इसको हम रोक नहीं सकते, ये आएगी, हम व्यवस्था बनवा सकते हैं। अब व्यवस्था बनवाने की है कि रूट एक बना रहे हैं, जो यहाँ का रूट होगा वो इसी रोड से आगे जाएगा, आगे से वो रूट घूमेगा, उसका पूरा प्लान बन रहे, सब लोग हम साथ में रहेंगे, सबको शांतिपूर्ण तरीके से 26 तारीख में चलना है। और एक के पीछे एक ट्रैक्टर रहेगा, लाइन बहुत लंबी रहेगी, कोई आर्डर नहीं है, सब आ गया, पूरा पंजाब और हरियाणा चढ़ का आ गया, इधर से उत्तर प्रदेश और राजस्थान सब चढ़ गया। उम्मीद है कि 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर है। आदमी कितने होंगे इसमें? करीब 15 से 20 हजार वॉलंटियर काम करेंगे। और सबकी जिम्मेदारी यह है कि जो भी किसान है इस आंदोलन का वही नेता है, वही इसका वॉलंटियर है। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी है, आपका पड़ोसी क्या कर रहा है उस पर निगाह रखनी है, गलत तरीके के लोग आपके बीच में आ सकते हैं। जिस तरह से कल सिंघू बॉर्डर पे वो लड़का पकड़ा गया, उसका पूरा प्लान था, उसने पूरा पुलिस प्रशासन का नाम लिया, उसने कहा कि मुझे इस थाने के अधिकारियों ने हमको कहा, 10 लोगों की टीम है, जब हमारी भीड़ 26 तारीख के आगे बढ़ेगी पुलिस उनको रोकेगी, हम भीड़ के बीच में रहेंगे, वहां से हमको फायरिंग करना है, लोगों में अड़फातरफी होगी, किसान पुलिस पे लाठी चलाओगे और पुलिस इन पर चलाओगे, उनके साथ गोली चलेगी, ये हमारा प्लान था, प्लान उनका पकड़ा गया। पुलिस प्रशासन जो बहुत दिन से कह रहा था सरकार का झगड़ा होगा, भाई कहां से आ रहा, 2 महीने तो हमको हो गए, इस तरह की तो कोई बात आई नहीं, उनका प्लान पकड़ा गया है। हमको जिम्मेदारी है कि पूरे वॉलंटियर अपना काम करें, जिस तरह से बैरिकेडिंग लगा रखे हैं। एक और होगा भाई, अब कोई ये नहीं समझना कि चेकिंग नहीं होने का, अब हर आदमी का चेकिंग होगा, एक चेकिंग दस्ता यहाँ पे बढ़ा जाएगा। वो किसान संगठन का उसने बिल्ला लगा रखा है, उसने टोपी लगा रखी है, उसने कैप लगा रखी है, उसने पगड़ी पहन रखी है, वो कोई भी है, वो जो चेकिंग दस्ता होगा वो सबकी तलाशी लेगा, किसी को नहीं करने की जरूरत, मेरी तलाशी लेगी, हम भी तलाशी लेंगे, अपना वीडियो बनवाएंगे तलाशी देते हुए। यहाँ पे कोई असामाजिक तत्व हमारी टोपी लगा के, हमारा झंडा हाथ में लेके, हमारा बिल्ला लगा के, वो आपकी ही भाषा बोल लगा, आपका ही जैसा उसका रहन सहन होगा, और वो गलत तरीके का आदमी हो सकता है, उसकी हमको निगाह रखनी है, ये बड़ी जिम्मेदारी हमारी है।
जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये सारी तैयारियों के साथ में हम अपना बात करेंगे। और फिर मेरा बार बार धन्यवाद है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, 2 महीने इन लोगों को होगी सरकारों की, जब समझ में आए, कोई जल्दी नहीं है किसानों को। किसान तो अपना एक फसली आंदोलन भी नहीं, अभी तो गेहूं का आंदोलन भी नहीं है, अगर गन्ने का आंदोलन होगा फिर क्या होगा। किसान वापसी नहीं जाएगा, अपने दिमाग खोल ले सरकार, पूर्ण रूप से खुले दिमाग से। ये किसान जब तक बिल वापसी नहीं होगा, MSP पे कानून नहीं बनेगा, ये किसान वापसी नहीं जाएगा। और पार्लियामेंट सेशन चल रहा, पार्लियामेंट सेशन भी चला हुआ है, 29 तारीख से बजट भी पेश करना लाल बक्सा आ रहा है, उसमें भी देखेंगे, विपक्ष वालों को भी देखेंगे कि अंदर क्या हो कर रहे हैं उसमें। और मेरे पॉलिटिकल पार्टियों से भी भाई, विपक्ष वालों से भी हाथ जोड़ के ये अपील है कि इस आंदोलन में कोई भी पॉलिटिकल झंडा इस्तेमाल नहीं होगा। बड़े मेहरबानी, आपको समर्थन देना है अपना तिरंगा झंडा ले लो, नहीं समर्थन देना है अपने घर पर हो। इसमें कोई भी पॉलिटिकल झंडा लेके हमारे इस आंदोलन को, जो किसान मजदूर आम आदमी का आंदोलन है, इसको बिगाड़ने की कोशिश ना करें। आप अपना बाहर से आप समर्थन दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई सबका, लेकिन इसमें कोई पॉलिटिकल धंधा, कोई एजेंडा, कोई झंडा इसमें यूज नहीं होगा। ये नहीं कहना कि फिर जी हमको नहीं बता, क्योंकि सरकार और इस आंदोलन को लंबा चाहती है, वो देखना चाहती है कि किसानों में कितना दम है। हमने बता दिया कि पूरी ताकत के साथ में हम आएंगे, आंदोलन चलाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन रहेगा। आप अगले 2 महीने लगे, अगले 4 महीने लगे, अगले 6 महीने लगे, जब सरकार को बातचीत करनी हो, सरकार हमारे से बातचीत कर ले, हमारे पूर्ण रूप से बातचीत के दरवाजे किसानों के खुले हुए हो, जब सरकार के दिमाग ठीक हो जाए, जब बात कर ले, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए, जब बात कर ले, किसानों को कोई जल्दी नहीं है, किसानों को कोई जल्दी नहीं है, जब सरकार के दिमाग ठीक हो जाए, सरकार जब बात कर ले, अभी तो 7-8 दिन हमारे पास में भी फुर्सत नहीं है, हमारे पास कोई फुर्सत नहीं है। अभी जनवरी के महीने तक हम भी फरवरी में बात करेंगे, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, आप बात कर लेना। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के LIU के लोग यहाँ पे होंगे, वे सुन रहे होंगे, कान खोल के सुन लो, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन भी, अगर किसी जिले में किसानों को रोकने की कोशिश करोगे, उस जिले की जिम्मेदारी होगी, वहां के पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। जिस तरह से अलीगढ़ के अंदर लोगों को आगे नहीं आने दिया जा रहा, फिर नहीं कहना कि थानों में क्या क्या करे, अगर नहीं आप आने दोगे तो थानों में उनके वेल्डिंग करे जाएंगे, थानों के उनमें पशु